रेलवे अस्पताल के द्वारा यहाँ पे चिकित्सा सहायता केंद्र लगाया गया है जो फर्स्ट एड के लिए, अगर इमरजेंसी में चोट लगा है, कुछ हुआ है, तो यहाँ पे रेलवे अस्पताल के द्वारा जो है यहाँ पे फर्स्ट एड कैंप लगाया गया है। और देखिए कि यहाँ पे जो है पेशेंट है उनको भी यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है, मतलब रेगुलर जो पेशेंट आ रहे हैं उन लोगों को जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और कैंप यहाँ पे सुबह से ही लगा दिया गया है, एक्सीडेंट के कुछ देर के बाद जो है यहाँ पे कैंप लगाया गया है और इस कैंप को जो है यहाँ पे रन कराया जा रहा है। आप देखिए लाइन से, मतलब जितने भी पेशेंट आ रहे हैं पहले यहाँ पे फर्स्ट एड किया जा रहा है, फर्स्ट एड करने के बाद उसके बाद जैसे कि आपने देखा कि अभी मेमो ट्रेन लगी थी, चक्रधरपुर के पैसेंजर मेमो में गए, कुछ लोगों को यहाँ से लगातार एम्बुलेंस में जो है भेजा जा रहा है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि डीसी सिंहभूम आए हुए हैं, डीसी सरायकेला यहाँ पे आए हुए हैं, एसपी सरायकेला आए हुए हैं, जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं या फिर रेल के जितने अधिकारी हैं तमाम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। मतलब मैं जितना भी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सब चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कंडीशन में मदद की जाए। तो मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम है, बाकी लोग हैं, लेकिन यहाँ से आम पब्लिक भी आप देखिए कि कितने लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने एंड से जो है उनको मदद करने के लिए जो है यहाँ पे पहुँच जाए। तो यहाँ से जो है फास्ट एड किया जा रहा है, उनको फास्ट एड करने के बाद जो है यहाँ से आगे भेजा जा रहा है। देखिए कि यहाँ पे जो है अंदर उनको फास्ट एड दिया जा रहा है और तमाम यहाँ पे जितनी भी चीज़ है फास्ट एड की वो यहाँ पहुँचाया जा रहा है। अच्छा सीएमएस भी पहुंचे हो ना, देखिए कि सीएमएस चक्रधरपुर जो है वो भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे और उन्हीं के द्वारा जो है पूरी देख रेख की जा रही है और ख़ास करके जो है यहाँ पे जितने भी पेशेंट आ रहे हैं तो सीएमएस चक्रधरपुर पहुँचे हैं और यहाँ पे कैंप लगा हुआ है और पेशेंट को देख रहे हैं यहाँ से और देख देख के जिनको रेफ़र करना है, जिनको जहाँ भेजना है, जो जो कंडीशन है वो कंडीशन में जो है उनको यहाँ से जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हादसा यहाँ पे, और अब तक क्या हुआ है, अगर डेथ हुई है तो कितने लोगों की हुई है, नहीं हुई है, जो भी है एग्जैक्ट डेटा अभी तक नहीं मिल सक रहा है, कुछ देर में मैं आपको वो बताऊंगा। और एक आधिकारिक नंबर जो है दिया गया है जो मैं सिक्के पे लाइव में डाल दिया हूँ, एक ऑफिशियल नंबर जो आधिकारिक नंबर है वो जारी कर दिया गया है जो मैं आप लोगों को सिक्के पे लाइव के चैनल में डाल दिया हूँ, उस चैनल में आप देख सकते हैं आधिकारिक नंबर। उसके द्वारा जो लोग बाहर से देख रहे हैं, मतलब जिनका जिनके यहाँ पे यात्री थे इस ट्रेन में, जो यात्री थे, अगर उनका कोई भी खबर लेना है तो उस आधिकारिक नंबर पर कॉल करके जो है आप बात कर सकते हैं।